ठंडियों में पुराने पुराने स्वेटर का रीयूज करना सीखना है तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। और हाँ, वेलकम टू माई चैनल। तो अगर आपको ये हैक्स अच्छे लगे ना तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए देखते कैसे बनाया है मैंने। आपके पास कोई पुराना श्रग होगा ही, इस टाइप से मोस्टली सबके पास होता है। तो आपको क्या करना है, मेरा एक्चुअली फट गया था तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो इसके साइड में बांधने वाले होते हैं उसको मैंने कट करके कुछ इतने, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का होगा ये, है ना। और मैंने इसी तरह करके इसे किया है। देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको करना क्या है, आपके जो छोटे छोटे स्ट्रैप्स हैं आपको कुछ इस तरह से फोल्ड करके इसे सिल लेना है। और सिलने के बाद इसे इधर इस साइड में अटैच कर देना है। कहाँ अटैच करना है ये मैं दिखा रही हूँ। इस साइड से आपको उल्टे साइड में, अंदर के साइड में इस तरह से अटैच करना है। आपको सुई धागे से इसे अटैच करना है, फिर आप चाहें तो इसे मशीन से सिल सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 कुल मैंने किए थे। आप जब छोटे हो गए तो आपने जो आपके लहंगे आते थे उसके पीछे नहीं एक बांधने वाला होता था एडजस्ट करने के लिए साइज़ का, तो उसी टाइप से आपको बनाना है। और इसे अपोजिट साइड से पीछे साइड में मतलब लगा के पहन लेना। आप इसमें कोई भी बद्दी उद्दी लगा सकते हो स्टाइलिश दिखाने के लिए। तो ये सामने से एकदम ब्रांड न्यू आपका टॉप बन के तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो पीछे श्रग डाल सकते हैं, और आप बहुत अच्छा कुछ उसमें लगा रहे हो लटकन वटकन तो और अच्छा लगेगा, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तो ऐसे ही DIY कर लिया था, लेकिन मैं पहनूंगी इसे। और ये कुछ इतने लेंथ में आएगा, आप चाहे तो इसे एज अ क्रॉप टॉप भी पहन सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो आते हैं सेकंड चीज़ पे, हमारा बल्कि स्वेटर को क्या करना है, उल्टा पहनना है। हाँ जी, उल्टा पहनना है। उल्टा पहन करके आपको कुछ इस टाइप से होगा। ओके, तो पीछे में आप बटन नहीं लगाएंगे। ओके, पीछे बटन लगाओगे तो बल्कि ही रहेगा यार। तो इसे एक क्रिस क्रॉस करना है, जो बटन वाली साइड है उसको अंदर साइड करना है। पहले सामने से आपको फोल्ड करना है हल्का सा, ताकि आप एडजस्ट कर सको, आपकी मर्जी है। और इसे कुछ इस टाइप से फोल्ड करना है, जो बटन वाला है वो अंदर हो जाए और जो बटन लगाने वाला है वो ऊपर हो जाए। आपके पास बटन वाला नहीं है तो कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, सब चलता है। बस दिमाग लगाओ कि आप कैसे न्यू अपने स्वेटर कर सकते हो। आप चाहे तो इसमें रबर बैंड भी लगा सकते हैं, लेकिन बटन है यार तो रबर बैंड लगा के क्या करोगे। तो मैंने ये इस बटन में जो इसमें है इसमें इसको लगा दिया है। ये काफ़ी अच्छा होल्ड करके था। ओके, तो आप देखिए हो ही नहीं रहा था यार। तो उसके बाद मैंने इसे लगा दिया, और फिर इसे आप अपने अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, जैसा मैं दिखा रही हूँ ज़रूरी नहीं आप ऐसा ही करो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसे एडजस्ट कर लिया। अगर आप अपने बैंड को हाइड करना चाहते हो तो इस तरह का बेल्ट तो उस टाइम के ड्रेसेस में थी, आपके पास कोई थिन बेल्ट या मोटा कोई कपड़ा हो जो एज अ बेल्ट आप यूज़ कर सको, तो इसे आप अपने जो बैंड है इसे हाइड कर सकते हो। तो यहाँ मैंने अपने बैंड को हाइड कर दिया है, और इसे एक जैकेट के साथ मैंने पेयर अप किया है। अगर आपको अच्छा लगे, यहाँ तक आए हो, अच्छा लगा हो, अगर आप भी कभी ट्राई करोगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।